नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। मैं हूं रत्नाकर और खास मुलाकात में आज मैं आपका फिर से एक बार स्वागत कर रहा हूं। सबसे कठिन काम होता है लोगों से जुड़े रहना, लोगों को जोड़े रखना। और जब ये एक मुश्किल काम जब जिम्मेदारी से किया जाता है तो किस तरह से होता है, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ में है लोकमत ग्रुप के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट श्री मतीन खान जी। मैं उनका स्वागत करता हूँ। उनका साथ देने के लिए हमारे साथ में मिस्टर आशीष जैन, जनरल मैनेजर लोकमत ग्रुप, और उसके साथ में हमारे मित्र हमारे साथ में मिस्टर मुश्ताक शेख, जो कि सीनियर मैनेजर है लोकमत में। जैसे सर मैंने आपसे शुरुआत की थी, मैं आपसे जानना चाहूंगा सर कि लोगों से जुड़े रहने के लिए एक ड्राइव आप कर रहे हैं महामैराथन जी, दर्शकों को बताइए आपने कैसे इसका आयोजन किया है। मुझे लगता है ये जो सवाल है इसका मुझसे बेहतर जवाब आशीष जी दे पाएंगे, क्योंकि आशीष जी हम आपसे ना सिर्फ नागपुर बल्कि हमारे जो डिफरेंट वेन्यूज जो महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में ये होता है उसके ये इंचार्ज भी हैं। अरे वाह। और ये कोऑर्डिनेटर हैं, तो ये उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। सबसे पहले मैं इन BCN के सभी वाचकों को नए साल की बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूँ। महामैराथन का ये तीसरा सीजन है नागपुर में। ये अपने किस्म का एकमात्र इवेंट है पूरे इंडिया में जो 5 शहरों में ऑर्गेनाइज होता है। नासिक, औरंगाबाद और कोल्हापुर, ये 3 सिटीज अभी तक हो चुकी हैं। 2 फरवरी को ये नागपुर में है और 16 फरवरी को ये पूना में होने जा रहा है जी। सो नागपुर में हम लगभग 10,000 लोगों को उस दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपने कहा, लोगों से जुड़े रहने की एक पहल की है लोकमत ग्रुप ने, तो मैं इन BCN के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऑनलाइन जाकर अपने आप को रजिस्टर करें और नागपुर के सबसे बड़े मैराथन का हिस्सा बने। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना चाहिए सर, इस पर भी थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल है www.mahamarathon.com। उस पर आप जाके किसी भी शहर के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो वहाँ आप जाएंगे तो आपको नागपुर शहर का एक टैब दिखेगा, उसमें जब आप नागपुर के अंदर जाएंगे तो वहाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, 3 किलोमीटर के लिए, 5 किलोमीटर के लिए, 10 और 21 किलोमीटर के लिए। तो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो, रुचि हो, आपकी बॉडी की क्षमता हो, उस हिसाब से आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है अभी अगर टाइम से गए तो आप डिस्काउंट पा सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग वहां सब जाएं और बढ़ चढ़कर रजिस्टर करें। सही बात कही आशीष जी आपने, और हमने इतिहास में देखा है कि जब जब लोकमत का ये इवेंट हुआ है लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम भी उन खुश नसीबों से है, मतलब हमने भी उसमें पार्टिसिपेट किया है। लोकमत का एक सर अपना इतिहास रहा है जी, और बहुत नागपुर का जो बदलाव है वो लोकमत ने सभी दर्शकों तक भी पहुंचाया है। एक इतिहास पर अगर हम नजर डालें और आज नागपुर के विकास की अगर हम बात करें तो आप अपना क्या व्यू रखेंगे? ये जो आपका सवाल है ये इस वक्त बहुत ही पर्टिनेंट है, क्योंकि अभी तकरीबन 10 दिन पहले ही 10 जनवरी को सदर फ्लाईओवर का इनॉग्रेशन हुआ जी, मच एक्सपेक्टेड, जिसको हम सब बहुत ही बेताबी से उसका इंतजार कर रहे थे। वो 10 जनवरी को कंप्लीट हुआ। खासकर आप खासकर के रहना राजनगर में है तो वहां से लोकमत आने का जो समय है वो काफी हेल्प कर रहा है कम करने में लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अच्छी बात है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन एक कहीं ना कहीं एक टीस रह जाती है डेवलपमेंट में जी। सदर फ्लाईओवर का जिसने भी कॉन्सेप्ट लाए होंगे या जो सोचा होगा, जो डिजाइन किया जी, उसमें से जब हम सदर फ्लाईओवर से LIC चौक की तरफ जब उतरते हैं तो मुझे पता नहीं कि इसी बात को लेकर लोगों ने क्यों ध्यान नहीं रखा कि आज उस फ्लाईओवर को लेने में लोग शुरू शुरू में एक्साइटमेंट में बड़ा आ रहे थे, जा रहे थे। इनॉग्रेशन की भी जल्दबाजी के पीछे काफी एक उसमें भी हाँ वो एक अलग बात रही जी। लेकिन ये जो जब हम वहां उतरते हैं तो वहां पर एक तरह का जाम हर दिन हर वक्त लगा रहता है। हाँ। तो वो स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चरल हमारी कुछ खामियां हैं जिसपे हमको एट द टाइम ऑफ प्लानिंग ये सब चीजें डिसाइड होना चाहिए जी। बराबर है, मैं एक जो है एक विजन रख के आपने अगर उसको स्ट्रक्चराइज किया होता जी तो आज जो डेली की जो तकलीफ है वो कहीं ना कहीं उससे हम बच सकते, निजात पा सकते थे, जिस जो उसका मकसद है खास तौर पे। तो आने के लिए तो अभी वो थोड़ा सा परेशानी का सबब है, लेकिन जब हम वापस जाते हैं तब जरूर उसमें हमें उसका मजा है। तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा और अपने आप में वैसे देखा जाए ये तो एक हमारी खुशनसीबी है कि इतना मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाला हमें फ्लाईओवर मिला है, डबल डेकर है उसमें जी, वो एक अलग है, वाई शेप है कि मतलब आगे जाके वो छिंदवाड़ा रोड की तरफ एक चला जाता है, एक काटोल रोड की तरफ चला जाता है, एक आसान एक सुविधा हो जाएगी। तो चीजें अच्छी हैं पर मुझे लगता है कि हम जब काम करते हैं तो छोटी सी भी कोई काम करते हैं तो उसकी प्लानिंग करते हैं,
तो इसमें भी प्लानिंग की कहीं ना कहीं कोई एक छोटी मोटी जो है वो जैसे लोकमत का फ्लाईओवर उस तरीके से बिल्कुल एप्ट है, आप कहीं से भी चढ़े कहीं से भी उतरे तो ट्रैफिक जैम की वहां कभी दिक्कत नहीं होती है। और हमने भी खुद उस फ्लाईओवर को यूज किया और मैं तो कहूंगा कि नागपुर की सुंदरता के लिए भी एक वो चार चांद लगता है जो लोकमत का फ्लाईओवर। मुश्ताक सर, जहां हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, मेट्रो जी है ना, मेट्रो अपने आप में नागपुर के लिए एक अच्छा डेवलपमेंट का एक जो है एस्पेक्ट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखो, विकास की जब बात आती है जी तो हर आदमी विकास चाहता है, और जो नागपुर शहर में आज की तारीख में जो हो रहा है विकास, ये काफी बड़े पैमाने पर और तसल्लीजनक हो रहा है। पर इसमें मैं मेट्रो का तो काफ़ी स्वागत करता हूँ, और आने वाले दिनों में जैसे कामठी से आने वाले लोग हैं, खापरी से लोग, बुट्टीबुरी से आने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो सुविधा ये मेट्रो के जरिए हो रही है और तो वो बहुत ही अच्छी बात है। पर जो ऐसी अभी सर ने कहा कि जैसे ओवर ब्रिज का काम हुआ, पर नागपुर में जिस तरह से विकास कार्य हो रहे हैं और वो विकास कार्य काफ़ी अच्छे हो गए, काफ़ी सीमेंट रोड अच्छे बन गए। लेकिन आज का ही मैं वाकया बताता हूँ कि मेरी सिराज भाई से बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जी। और मैं जाने जब निकला तो मुझे ये नहीं पता कि सामने में अभी गड्ढा है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है। इतने करोड़ों रुपए खर्चा करके जो सीमेंट रोड बनाया गया और उसके बाद जो है बिना प्लानिंग से, बिना उसका कोई रूट बनाए और वो गड्ढे खोद रहे, उसका नुकसान कर रहे और उसको मिटाने में भी कोई प्लानिंग नहीं किया जा रहा, तो कहीं तो भी मुझे वो एक कमी महसूस होती है। जी सही बात है, मैं आज हम लोगों ने भी कई जगह पे देखा है कि जो काम एक्चुअल में हो रहे हैं उसका कहीं ना कहीं हमारी आवाजाही को या हमारी जो वाहतूक व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। काम जो है, काम डेवलपमेंट का अपने जगह पे है और उसका प्लानिंग जो है अपने जगह पे है। अभी जैसे टुकड़ो जी पुतला पर ही अगर मुझे आना है तो मतलब मेरे सामने भैंसे भी आ रही है, बड़ी गाड़ियां भी आ रही है और रोड भी बन रहा है, लेबर भी काम कर रहा है, तो उसका कोई प्लानिंग नहीं और वहाँ पे प्रशासन भी कोई काम नहीं कर रहा ऐसे। नहीं, मेट्रो का जब कॉन्सेप्ट आया था शहर में तो सब लोगों ने दिल थाम के इस बात का मतलब अपने आप को राजी कर लिया था कि भाई डेवलपमेंट के पीछे तकलीफें उठाना पड़ेंगी जी, और हर आदमी उठाने को तैयार भी है, तैयार भी है और उठाई भी है। मतलब अब ये तकरीबन मेरे ख्याल में 6 साल हो गए चलते चलते इस काम को, और इन 5-6 सालों में जो भी तकलीफें आई हैं, कई लोग गड्ढों में जख्मी हुए, कुछ मतलब एक्सीडेंट्स हुए हैं, हिंगना पे हुआ है जो जी, 3 बच्चियों का एक्सीडेंट, तो हाँ उम्र भी गई, मर भी गई जी। बहरहाल मतलब ये तो ये डेवलपमेंट की कॉस्ट हमारे यहाँ पर, चूंकि इंसानी जान की हम लोग बहुत ज्यादा कीमत मानते नहीं है हिंदुस्तान में, हमारे लिए भरपाई कभी हो नहीं सकती। लेकिन जिस घर के लोग चले जाते हैं, जिस लोगों को लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से अगर कोई तकलीफ है, तो इसको जरूर जिम्मेदार लोगों को इसके ऊपर विचार करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, मतलब एक सेफ्टी सिक्योरिटी का अच्छी तरह से प्लानिंग करके अगर डेवलप, और जैसा मुश्ताक जी ने कहा मैं उस बात से बिल्कुल राजी हूँ कि भाई विकास तो हर आदमी को, डेवलपमेंट तो सबको चाहिए, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट ये भी हमको देखना पड़ेगा कि उसकी कॉस्ट हमको क्या देना पड़ेगा। अगर मैं ही नहीं रहूँ तो फिर वो डेवलपमेंट किस काम का। मेट्रो पे एक छोटी सी चीज मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल वो तभी बनता है जब उसको मैक्सिमाइज तरीके से यूज किया जा सके। एग्जैक्टली मैं उसी पर आने वाला था कि मेट्रो क्या ये नागपुर की प्रायोरिटी थी, ये सवाल मेरा आप तीनों से है। अब ये तो बड़ा पेचीदा सवाल है क्योंकि जो शहरों में, अब जैसे बंबई में, जैसे ओवर क्राउडेड सिटीज में आज मेट्रो का काम शुरू हो रहा है, तो वहां के लोगों की ये शिकायत है कि भाई ये पहले क्यों नहीं हुआ जब लोगों की पॉपुलेशन लिमिटेड थी। अब हमारे यहाँ रिवर्स सिचुएशन है, शायद हमारे यहाँ आज वो नीड नहीं है कि हम आप में से कोई मेट्रो डेली लेवल पे यूज कर रहा है, बट एक इंफ्रास्ट्रक्चर तय हुआ है जो आने वाली पीढ़ी के लिए कहीं ना कहीं, पर उसमें एक मेरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि उसका यूज जब तक नहीं होगा, कई 100 करोड़ रुपए डाल के ये प्रोजेक्ट बनते हैं, करेक्ट, और ये यूज करने के लिए नागपुर शहर नीड्स, मतलब नागपुर सिटी नीड्स जॉब्स। जब तक बाहर के लोग आएंगे नहीं, शहर कोई भी शहर शहर वाले नहीं बनाते हैं, जब तक बाहर के लोगों का यहाँ इन्फ्लक्स नहीं होगा, बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं आएंगे। हम मिहान के बारे में तो सालों साल से सुन रहे हैं, कई छोटी मोटी कंपनियां वहां शुरू भी हुई हैं, बट जब तक हजारों की तादाद में लोग नहीं आएंगे तब तक ये बड़े प्रोजेक्ट्स जो है ये सक्सेसफुल नहीं रहेंगे। सही बात कही। देखिए मिहान के डेवलपमेंट के पीछे, जैसे मिहान की बात निकली है तो हम नागपुरवासी भी ये चाहते हैं कि मिहान प्रोजेक्ट डेवलप हो, ताकि सबसे बड़ा इशू था कि नागपुर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको कहीं ना कहीं चालना मिले, लेकिन आज की परिस्थिति में अभी और हमको कुछ शायद और इंतजार करना पड़ेगा।
क्या कहेंगे मतीन सर? मैं मेट्रो पे ही बात करना चाहूंगा फिर से, जो आपने चूंकि आशीष जी ने भी एक अच्छा पॉइंट उठाया, वो हेनरी फोर्ड की एक फ्रेज है जिसको हम लोग कई बार यूज करते हैं कि आई गेव पीपल कार्स व्हेन दे वर ड्रीमिंग अबाउट द फास्ट हॉर्सेस, मतलब मैंने उस जमाने में कार की इजाद की जब लोग तेज घोड़े दौड़ाते नहीं थे, चाहते थे कि हमारे पास तेज घोड़े, यानी उस जमाने में जिसने जब किसी ने कार के बारे में सोचा नहीं था, थिंकिंग ऑफ द फ्यूचर। तो मेट्रो हमारे लिए भी वही है कि हम तेज घोड़े चाहते थे, हम चाहते थे कि शहर में कुछ ऐसा वैसा होता रहे, ऐसे में हमको मेट्रो दे दी गई। लेकिन फिर आगे वही बात आती है कि एट द सेम टाइम हमको मेट्रो स्टेशन तक हम कैसे पहुंचेंगे, मेट्रो स्टेशन पर अगर हमें गाड़ी रखना है तो उसकी क्या सुविधा है, हमें एजुकेट अगर नहीं किया जाएगा तो इतना बड़ा जो हजारों करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये किसी काम का नहीं अगर लोग एजुकेट नहीं होते हैं तो। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि देखिए आज अगर आप मेट्रो का सही तरीके से अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो प्लानिंग है उसको आप, मैं आम नागरिक की बात कर रहा हूँ, अगर उनको उसका यूटिलाइजेशन करना है तो उनके लिए कि मैं घर से निकल कर मैं किस तरह से वो मेट्रो स्टेशन तक जाऊँ और वो डिस्टेंस तय करके मेरे, अगर मान लीजिए कोई अगर पार्टी में रहता है और पार्टी से उसको मेट्रो की सुविधा है MIDC तक जाने के लिए, तो अगर वो सोचता है कि मैं घर से साइकिल या मैं मेरी बाइक लूँ और मैं स्टेशन पर, जो कि मुंबई जैसे सिटी में जो ऑब्जर्व करते हैं, तो वो नागपुर फिर वहाँ MIDC में उतरता है, वहाँ से ऑफिस जाने के लिए अगर उसके लिए कोई कन्वीनियंट कन्वीनियंस हो तो शायद मेट्रो का जो है यूटिलाइजेशन जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है। और ये फिर वही बात है कि जो जिम्मेदार एजेंसी है उसको ये बात लोगों को एजुकेट करने के लिए आगे आना पड़ेगा। वो विज्ञापन के माध्यम से हो चाहे एजुकेशन के माध्यम से, जैसे भी हो, लेकिन आपको लोगों को बताना पड़ेगा कि ये हमारे लिए कितनी सुविधाजनक है। जी भाई, एक फैसिलिटी होना एक अलग चीज़ है लेकिन उसका सुविधाजनक होना भी जरूरी है। सही बात है। एक और मुद्दा आता है इन सब के साथ में कि जो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलता है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम किस तरह से हम यूटिलाइज करें और उसको किस तरह से सुरक्षित रहे, इस पर चर्चा करेंगे हमारे साथ में लोकमत डिवीजन से हमारे साथ में आशीष जैन साहब, मतीन खान साहब, मुश्ताक शेख साहब, इनसे चर्चा हमारी चलती रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आ गया है आपके मोबाइल पर, बस आपको जाना है प्ले स्टोर में और टाइप कीजिए NBCN और आपको मिल जाएगा NBCN मोबाइल ऐप। इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद विदर्भ की सारी न्यूज आपकी उंगलियों पे, जैसे क्राइम, स्पोर्ट्स, पॉलिटिकल, बिजनेस और बॉलीवुड। और एंड्रॉइड की तरह आप भी हो जाइए अपडेट, क्योंकि NBCN ऐप आपको रखे फुल अपडेट। नमस्कार, फिर से एक बार आपका स्वागत है खास मुलाकात में। आज इस खास मुलाकात में नागपुर डेवलपमेंट पर हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ में है मतीन खान साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट है लोकमत ग्रुप में, उनके साथ में है आशीष जैन साहब जनरल मैनेजर लोकमत ग्रुप और मुश्ताक खान साहब जो कि सीनियर मैनेजर लोकमत ग्रुप में। जाने से पहले, ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि क्या सुविधाएं हमारे नागपुर को मिली है, उसमें डेवलपमेंट का क्या हाथ है। बात हम इस बात से शुरू करते हैं कि जो सुविधाएं नागपुर वासियों को दी जाती हैं उसका यूटिलाइजेशन, उसका मेंटेनेंस और उनकी अपनी जिम्मेदारियां ये किस हद तक निभाई जानी चाहिए। देखिए, हम ब्रेक के पहले जो हम बात कर रहे थे वो मेट्रो प्रोजेक्ट के ऊपर बात कर रहे थे, और मैंने बहुत ही ताकीदी के साथ ये बात कही कि अगर मेट्रो को सक्सेसफुल होना है तो वो एक टूरिज्म का पार्ट नहीं होना चाहिए। अभी जो मेट्रो है उसमें लोग सिर्फ घूमने जाते हैं, सिर्फ जो बाहर के अपने मेहमान आते हैं उनको एक टूरिज्म की तरह मेट्रो में बिठा के एक राउंड लगा देते हैं, एक मतलब नागपुर अट्रैक्शन करते हैं, एक नागपुर में वो एक टूरिज्म का पॉइंट जोड़ गया। लेकिन आपका कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल तब होगा जब सबसे पहली बात कि वो एक आम आदमी के लिए जरूरत बन जाए कि भाई ये मेरी जरूरत है। जैसे बॉम्बे की अगर हम बात करें तो वहाँ अगर एक घंटे के लिए लोकल बंद हो जाती है तो वो नेशनल न्यूज बन जाती है। yes. कि भाई एक घंटे लोकल बंद रही है ना, लाखों लोग उससे अफेक्टेड होते हैं। वहाँ की मेट्रो भी चल रही है लेकिन चूंकि बहुत ही स्कैटर्ड है अभी, इस वजह से मेट्रो को ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन आपने नागपुर को इतनी बड़ी सौगात दी है तो उसको आम लोगों तक वो कैसे, उसकी उपयोगिता होगी, इसके लिए बहुत ही सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। यानी ये कोई भी
फ्लैम्बॉयंसी में लिया हुआ डिसीजन नहीं होना चाहिए कि हमने मेट्रो दे दी, नहीं दे दी तो, लेकिन अभी कई लोगों से हम लोग मिलते हैं चूंकि हम लोग भी मीडिया इंडस्ट्री में हैं, तो मैंने तो अभी तक जितने लोगों से बात की शुरुआती वहाँ से होती है कि नागपुर को इसकी ज़रूरत नहीं थी, मतलब सही बात है। हालांकि सुनने में बड़ा अच्छा नहीं लगता ये बात, क्योंकि डेवलपमेंटल कोई भी चीज़ को इस तरीके से नकार देना भी गलत बात है, नेगेटिव नोशन होता है, लेकिन ये 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 फेल्योर है हमारे सिस्टम का कि हम लोगों तक उसकी उपयोगिता बता नहीं पा रहे। आपने आपने ब्रिज बना दिया, अगले दिन लोग कहने लगे अरे वहाँ से तो उतरो तो जाम में फंस जाते हैं। तो सवाल ये है कि आप जल्दबाजी में काम अगर करके लोगों को ये दे रहे हैं कि हमने देखो इतना बड़ा काम कर दिया, तो लोगों तक ये बात आपको उनकी सुविधा और उनके उनके लिए वो किस तरीके से बहुत आरामदायक होगी यूज़ करने में, ये आप जब तक उसको नहीं करेंगे उसका लोग यूज़ ज़रूर करेंगे लेकिन वो लिमिटेड होगा, या तो वो कभी फ्लाईओवर पे लोगों को ये दिखाने ले जाएंगे कि देखो नागपुर में एक फ्लाईओवर है, या मेट्रो में इसलिए बैठ जाएंगे कि सिर्फ एक मेहमान आया था तो उसको हम दिखा लाएं कि नागपुर में मेट्रो चल रही है तो चलो आपको घुमा के लाते हैं, ये एक स्टेशन से निकलते हैं फिर वापस यहीं पर आते हैं। आज की तारीख में हालत वही है। हाँ, जैसे अभी आशीष जी ने कहा कि हम जब बचपन में सेमिनरी हिल में जाते थे और वो ट्रेन जो टॉय ट्रेन में हम लोग, उसी तरह से हालत है। पर विकास बहुत अच्छा हुआ, मेट्रो अच्छे है और आने वाले दिनों में वो काफी जरूरत भी हो सकती है। हाँ, लेकिन जैसा कि मतिन सर ने कहा कि वो लोगों तक वो बात पहुंचने चाहिए, लोगों ने उसका अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जब तक यूटिलाइजेशन नहीं होगा तब तक उसका उसकी उपयोगिता जो है सक्सेस सिद्ध नहीं होगी। और इसमें जो दूसरी बात मैं इम्पोर्टेंट कहना चाह रहा था कि आज मुझे लगता है कि कई हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें, जी भले ही हमको कहीं से लोन मिला है वो अलग बात है, लेकिन जब तक वो फाइनेंशियली फिजिबल नहीं होगी, जब तक लोगों वहाँ से उसकी रिकवरी शुरू नहीं होगी, इसका भार उठाएगा कौन? सही बात है, कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट की वायबिलिटी आने वाले समय में निकाल के भी देनी पड़ेगी। डेफिनेटली, और वो तभी होगा जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे जी, सही मायनों में इस्तेमाल करेंगे, बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करेंगे, तभी वो किसी भी प्रोजेक्ट की वायबिलिटी भी साबित हो सकती जी, है। हम बात कर रहे थे सर इसके साथ में नागपुर वासियों की जिम्मेदारियों की, स्वच्छ अभियान, जो कि हम नागपुर का हम एक सपना महानगर पालिका की तरफ से भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, एक स्लोगन दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि क्यों हमको बताने की जरूरत पड़ती है कि स्वच्छ नागपुर होना चाहिए, नागरिकों की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये तो ऐसी चीज़ है कि मुझे ऐसा लगता है बताने की किसी को ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। आज हमें हमारा घर साफ रखना है, ये हमें कोई बताता नहीं है, ये एक अंदर से रियलाइजेशन आता है कि भाई हम हमारे घर में गंदगी नहीं कर सकते, उसे हमें साफ रखना है, मंदिर जैसा रखना है। बट जब हम बाहर जाते हैं तो पता नहीं क्यों ये बातें एक्चुअली हम खुद भी भूल जाते हैं। जबकि आप देखेंगे इंडियन ट्रैवलर्स ऑफ लेट बहुत हाई नंबर में अब्रॉड ट्रैवल करते हैं, बट यही लोग जब अब्रॉड ट्रैवल करते हैं तो उस कंट्री के नियम से ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल सही, वहां बिल्कुल गंदगी नहीं होगी, सड़क पे आप उनको ही कुछ ना फेंकता हुआ पाएंगे, इनफैक्ट वहां कुछ अगर फेंका हुआ है तो उसको उठा के बराबर डाला जाएगा बिकॉज वहां उस पर पिनलाइजेशन है, दंड है। हमारे यहाँ कहीं ना कहीं एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी है, लोगों को आई डोंट नो आई थिंक बचपन से सिखाया जाता है, बट एक वो जो जागरूकता होती है वो अंदर से हमें खुद लानी पड़ेगी कि हमें क्लीन रखना है हमारे शहर को। नागपुर फॉर्चुनेटली आज कंट्री के ग्रीन और क्लीन शहर में स्थिति उसकी काफ़ी बेटर है अगर आप कंपेयर करेंगे बाकी शहरों से तो, बट इसको और अच्छा और आगे ले जाने की बेसिक जवाबदारी हमसे आपसे और पूरे नागपुर वासियों को खुद से ही रखनी चाहिए। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी नहीं नहीं सर बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहूँगा क्योंकि मैं इंदौर को बिलोंग करता हूँ जी, तो जब भी सफाई की बात आती है तो मेरे कॉलर ऑटोमेटिकली ऊंचे हो जाते हैं। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ क्योंकि और मैं जब इंदौर मैंने छोड़ा था, ये भी आपको एक मजेदार बात बता दूँ कि 2010 में जब मैंने इंदौर छोड़ा था और मैं नागपुर आया था जी, तो मेरा ये कॉलर जब भी इंदौर का नाम लेता था सफाई के मामले में तो ऑटोमेटिकली नीचे हो जाता है। पिछले 10 सालों में जो ट्रांसफर जाने के बाद कॉलर, हाँ मतलब आप बताइए कि मतलब ये कि सर को अब इंदौर में बार बार आप जाना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल जी जी जी, अब वो तो नागपुर जिस दिन बोलेगा कि आप जाओ तो जानी पड़ेगा। नहीं सर, नागपुर में रहते आपको कुछ समय के लिए इंदौर जाके फिर वापस आना जी। इसमें जो आशीष जी ने बात बोली वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, और जैसा इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इंदौर अपने आप ठीक नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, इंदौर को भी डंडा मार के ही ठीक किया गया है। इंदौर के लोग भी हमारे जैसे ही लोग हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर अभी घर से बाहर निकल के ये सोचते हैं कि बाहर गंदगी करना हमारा अधिकार है, तो इंदौर में भी वही हाल था। लेकिन इंदौर के एक कमिश्नर आए मनीष सिंह, और उन्होंने इंदौर को सफाई में नंबर 1 लाने का एक प्रण लिया,
और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर कचरा करते हुए कोई दुकानदार मिलता है तो उसको पहली बार में ही एक मैं मुझे एग्जैक्ट अमाउंट तो नहीं पता, मान लीजिए कि 2000 का आप जुर्माना पेनलाइज कीजिए, दूसरी बार अगर पकड़ में आता है तो 5000 का कीजिए, और तीसरी बार पकड़ में आता है तो उसका संडे के दिन दुकान बंद कीजिए जिस दिन उसकी सबसे ज्यादा बिक्री होती है। और ये उन्होंने कर दिखाया है। पेनलाइजेशन के साथ साथ वहां इंदौर की सफाई को वहां के लोगों ने अपनी प्राइड से भी जोड़ा। करेक्ट, ये तो एक पहली चीज हुई जिसमें डेटरेंट किया उन्होंने लोगों को सफाई के प्रति, डराया कि भाई आपने गंदगी की तो आप पे पेनलाइज होगा, और उसको फिर उन्होंने सेंस ऑफ प्राइड के साथ जोड़ा कि भाई इंदौर नंबर वन, इंदौर को नंबर वन कर दिखाना है, जिसको लोगों ने एडॉप्ट भी किया और जिसको लोगों ने घर घर में जाके फिर उसको एक वो एक आंदोलन टाइप बन गया, एक मूवमेंट बन गया और लोगों ने उसको फिर। लेकिन इसमें भी देखिए, इसमें भी लोगों का मैं बाद में श्रेय दूंगा, वहां पर कचरे की गाड़ी दिन में 3 बार आती है इंदौर में, जी हाँ, एक दिन में 3 बार आती है और तीनों बार उसमें एक बहुत ही बड़े सिंगर, कोई भी पहले शान का गाना बजता था, पता नहीं किसका बजता है, बड़ा सुरीला गाना बजता रहता है, और घर की औरतें भाइयों का इंतजार नहीं करती कि कचरा फेंकने भाई जाएगी, घर की लेडी जो होती है या घर का आदमी भी, आप और मेरे जैसे, वो भी बड़े शान से बाल्टी लेके आते हैं, उस धुन पे बड़े थिरकते हुए आते हैं और बाल्टी कचरे की उसको धमाते हैं, क्योंकि चूंकि डिस्पोजल ऑफ वेस्टेज का 3 बार आपके यहाँ पर हो गया तो आप कचरा होगा कहाँ से आपके। सही बात है, और मतलब इसका यूटिलाइजेशन जो है वो यूटिलाइजेशन भी जो है प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। मतलब एक तरफ ये है कि आपको कुछ चीज आपके आपके अच्छे के लिए बताई जा रही है और आप उसका यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं, इसका जो है इसका नतीजा जो है इंदौर जैसे सिटी का हम तो बहुत ही फक्र के साथ में मदीन सर ने जो एग्जाम्पल दिया। मुश्ताक जी, क्या जैसा हम लोग बात कर रहे थे, पेनलाइजेशन ही जरूरी है तभी लोग सुधरेंगे? मेरे ख्याल से सही है, कहीं तो भी डिसिप्लिन होना चाहिए, क्योंकि मैं अभी अभी सऊदी गया था अम्मा को लेकर के, उमरा गया था जी, तो वहां पे तो आपको पता है कि काफी बहुत ही ज्यादा लोग आते हैं। हाँ। अगर आपके पास से कुछ कचरा गिर भी जाता है पीछे, कोई तो कचरा करने की हिम्मत ही नहीं करता, क्योंकि इतनी पाक जगह रहती है और भी पूरी, मेरे ख्याल से सऊदी में अगर गिर भी जाता है तो आप 2 मिनट के बाद वो पीछे पलट कर देखिए तो आपको अपना कचरा नहीं मिलेगा। मैं इतना कंसर्न है वहां पे, कंसर्न भी है और लोग इतनी वहां पे इस तरह से माहौल तैयार किया कि किसी की हिम्मत ही नहीं होती कि मैं कचरा यहाँ पे करूँ। और दूसरी बात ये तो है, हर आदमी की पेनलाइज तो सर ने बोला ही है अभी, पर हर आदमी की जिम्मेदारी भी बनती है कि वो घर में जो है किसी कॉर्नर पर खर्रा खाकर नहीं थूकता। हाँ। लेकिन जहां मौका उसको अच्छी टॉप की लोकमत बिल्डिंग होगी या कहीं अच्छी जगह मिली तो वह पिचकारी जरूर मारेगा। ये तो शोकांति का है, मेरा हिसाब से जब वो जहां भी जाता है तो अपना घर समझे, अपनी जिम्मेदारी समझे। प्रशासन तो अपना काम कर रही है, विकास का काम कर रही है, पर हर आदमी ने जैसे मतीन सर चॉकलेट भी खाते तो वो जेब में रख लेते, जहां कचरे का बॉक्स दिखा वो गिरा देते। तो हर आदमी ने अगर इस तरह की जिम्मेदारी निभाया तो शायद जितनी उनकी जिम्मेदारी है प्रशासन की उतनी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा अपनी। सुरेंद्र शर्मा एक कवि हैं, बहुत मशहूर हास्य कवि हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अक्सर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में गार्बेज का डिस्पोजल नहीं होता, गार्बेज का ट्रांसफर होता है। लोग झाड़ू मार के पड़ोसी के घर के सामने कचरा कर देते हैं। आप दुकानों में अगर देखें तो क्या सिस्टम है, वो अपने सामने का झाड़ देता है और पड़ोस की दुकान पे वो कचरा कर देता है। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कचरा मुश्ताक की तरफ ट्रांसफर कर दिया। तो जब तक हमारे यहाँ डिस्पोजल होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए मैं फिर कहता हूँ कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को ही कदम उठाना पड़ेंगे। जनता तो तभी होती है, देखिए आप जनता को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं यह एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है जी। इंदौर जो आज है उसका पूरा क्रेडिट वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, वहाँ की महापौर को जाता है, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला के कमिश्नर को पूरा आजादी दी, काम किया। और ये नहीं हुआ, इसके बाद वो ही कमिश्नर उज्जैन गया और उज्जैन को भी उन्होंने वैसे ही ट्रांसफॉर्म किया जैसा इंदौर है। हालांकि वो इंदौर को अभी तक नंबर वन की पोजीशन से डिसलॉज नहीं कर पा रहे, लेकिन कहीं ना कहीं उस कंपटीशन में तो आ गए जी। मतलब वो उस क्लोज कंपटीशन हो गया कि चलो ये सिटी को भी हम उस कंपटीशन में लाए। और मेरी इन BCN के सभी दर्शकों से ये गुजारिश है कि आप इसको मेरी मतलब एक अपील माने कि कचरे को अपना दुश्मन मानिए, मतलब आप कचरे को उसकी जगह पर ही पहुंचाइए, कचरे को ट्रांसफॉर्म मत कीजिए कि भाई मैंने उठा के इधर रख दिया या मैंने उठा के उधर कर दिया। और थोड़ा सा चलना सीखिए, मतलब लोग क्या करते हैं कि अगर मैंने चाय यहाँ पी तो मैं मग यहीं रखूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, या तो कोई उठा के ले जाए या ये यहीं रखा रहेगा। अरे भाई आप उसको उठाइए, देखिए, पूछिए किसी से कहाँ है,
ये आपसे जिम्मेदारी इस तरह निभाएंगे तो नागपुर को भी हम इंदौर के मुकाबले में खड़ा कर देंगे। कचरा जो है वो प्रॉपर डस्टबिन तक जाए, और डस्टबिन जब कचरा गाड़ी आती है तो कचरा वो गाड़ियों तक जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी तभी ये क्लीन हो पाएगा शहर। सर हम भी चलते चलते आपसे गुजारिश करेंगे कि आपने मैराथन रखा हुआ है जी, तो जितने भी लोग आपके पास में आएंगे तो ये संदेश भी आप मैराथन के तरफ मैराथन के पार्टिसिपेंट को जरूर दे कि नागपुर को स्वच्छ और सुंदर बनाए। बिल्कुल जरूर करेंगे। एंड मैं फिर से अपील करता हूँ इन BCN के सभी लोगों से कि प्लास्टो प्रेजेंट्स नागपुर महामैराथन पावर्ड बाय मेट्रो इवेंट 2 फरवरी को होने जा रहा है, आप प्लीज उसमें आइए, बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, आप फिट बनिए, सोसाइटी को फिट बनाइए और हम सब एक लाइक फिट कल के तरफ अपना कदम बढ़ाएं। और जाते जाते मैं फिर एक बार सिराज भाई जो BCN ग्रुप के डायरेक्टर है और उनके टीम को शुभकामनाएं देता हूँ, नए अखबार के लिए भी काफ़ी शुभकामनाएं। धन्यवाद, नमस्कार। तो नागपुर, ये हमारे साथ में जो आज के हमारे मेहमान थे आशीष जैन जी, मतीन खान जी, मुश्ताक शेख जी, लोकमत ग्रुप से मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और नागपुर आपसे भी अपील करता हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, स्वच्छ नागपुर की ओर अग्रसर बने, काफ़ी डेवलपमेंट नागपुर में हो रहा है, उसका हम यूटिलाइजेशन करें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।